श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज श्री नरसिंह चतुर्दशी है। यस, पूरी उम्र लोग पूछते हैं भगवान को देखा है, भगवान को देखा है, अरे भगवान दिखाओ ना, सबूत दो भगवान का, सबूत दो, दो ना दो ना। आज वो दिन है। यस, ए कम यहाँ। आज वो दिन है जहाँ भगवान सबूत देने के लिए आए थे अपने भक्त के लिए। तो चलिए, आज का सेशन मिस नहीं करना है, एंड तक रुकना है। 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ से दिल से, यहीं से आ रहे हैं आप सबके लिए। आर यू रेडी? लेट्स डू दिस। बस एक बार बोलना पड़ेगा प्लीज आज के दिन। हाथ उठा के दोनों, कम ऑन विद एनर्जी, नरसिंहदेव भगवान की जय हो। चलिए लेट्स स्टार्ट। हो क्या बताएं आपको, 10 फैक्ट्स। आर यू रेडी? लेट्स गो फॉर 10 फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव। ओके, फैक्ट नंबर 1, जय और विजय। हम सब जानते हैं कि जय और विजय भगवान के दो द्वारपाल है, दो गेटकीपर्स है। एक बार उनका मन किया कि भगवान पूरा दिन आनंद शेष पे लेटे रहते हैं, उनके साथ कोई लड़ाई नहीं करता, उनके साथ कोई युद्ध नहीं करता, काश हम भगवान के साथ युद्ध कर पाते, थोड़ा अपने मसल्स भी थोड़ा भगवान को दिखाएं, थोड़ा भगवान के भी देखें कितने मसल्स हैं। सोचो भगवान के द्वारपाल जय और विजय क्या सोच रहे हैं, हम भगवान के साथ मल्ल युद्ध करना चाहते हैं सेवा की भावना से, क्योंकि भगवान को लड़ने का मौका ही नहीं मिलता किसी के साथ। ठीक है, तो भगवान विष्णु जी लेटे हुए थे अंदर, उन्होंने क्या सुना, अच्छा जय और विजय का मन कर रहा है कि मेरे से युद्ध करें, मल्ल युद्ध करें, ठीक है तो मैं इनकी एक इच्छा पूरी करूंगा। तो एक रीजन नरसिंहदेव का आने का क्या है, क्योंकि जय और विजय का मन क्या किया था, भगवान के साथ मल्ल युद्ध करने का। ठीक है जी। फैक्ट नंबर 2, भयंकर। ये ऐसे राक्षस थे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, कि 100 साल, कितने, 100, 100 साल अपनी माँ के गर्भ के अंदर रहे थे। उनकी माता दीति, जब उनको पता चला कि उनके कोख से ऐसे असुर आने वाले हैं, तो उन्होंने 100 साल तक अपने कोख में उन दोनों को रखा था। सोच के देखिए, 100 साल तक उन्होंने सोचा कि जब आके इन्होंने उत्पात ही मचाना है, सबको परेशान ही करना है, तो मैं जितना इनको अपने है ना कोख में रोक सकती हूँ इनको रोकूंगी। तो 100 साल तक हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु अपनी माँ के कोख में थे। और प्रभुपाद जी बताते हैं ये साधारण गुंडे नहीं थे जैसे आजकल के होते हैं मवाली, है ना, थर्ड क्लास, बिल्कुल छोटे मोटे काम करने वाले, ये भयंकर गुंडे थे जी, भयंकर असुर बन के आ रहे थे। ऐसा कहा जाता है जब ये माँ के घर में थे ना, तब संसार की रोशनी चली गई थी, ऐसे अशुभ अशुभ लक्षण हो रहे थे। ठीक है जी, तो ये था फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3, हिरण्यकश्यपु ने ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है, ना भूतो ना भविष्यति, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये, आज तक ना ऐसी किसी ने तपस्या की है, ना ऐसी कोई तपस्या कर पाएगा। पैर की एक अंगुली पे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, इसको कहते हैं ताड़ासन। हजारों साल के लिए हिरण्यकश्यपु ने ऐसी तपस्या की। और ऐसा कहा जाता है जब वो तपस्या करता, चींटियों ने उसके ऊपर एक पहाड़ बना लिया था, उसके ऊपर पक्षियां रहने लगे थे, पेड़ उगाए थे, बैम्बू ट्रीज आ गए थे। सोच के देखो, जिसके ऊपर एक पहाड़ी बन गया हो, उसके ऊपर एक जंगल ही बस गया हो, तो कितनी भारी भयंकर तपस्या की होगी। ठीक है जी, ब्रह्मा जी आते हैं, वो अमर का वरदान मांगते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी कंडीशंस मांगे। इनडायरेक्टली कहते हैं ना, कान को अगर ऐसा ना पकड़ो तो ऐसे पकड़ लो। तो उसने सोचा कि मैं ट्विस्ट करके, थोड़ा ज्यादा चलाकी करके, मैं अमरता का वरदान मांगता हूं, ना दिन में ना मरूं ना रात में, ऐसे ऐसे बहुत कंडीशंस मांगे और ब्रह्मा जी को विदा किया। ठीक है जी। फैक्ट नंबर 4, हिरण्यकश्यपु का जो कंट्रोल था, बहुत ध्यान से सुनना, इतना अत्याचार था, सिर्फ 3 लोग उसके प्रभाव से बचे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब के ऊपर इसका राज था। सोचो यमराज तक भी कांपता था। नारद जी कहते हैं कई बार तो मैं ही गया हूं, जय श्रीमन हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु हिरण्यकश्यपु, वैसे तो क्या गाते हैं नारद जी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बट नारद जी बता रहे हैं कि इतनी बार हिरण्यकश्यपु की प्रसन्नता के लिए मैं खुद गया और वीणा बजा के आया हूं। ऐसा कहा जाता है जैसे हिरण्यकश्यपु कभी सोता था, अगर सुबह उठता था, अगर उसका मन होता था कि आज ठंडी हो जाए, तुरंत वरुण देवता को बुलाता था और कहता था हे मौसम ठीक करो। सोचो दिसंबर में 40 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा था, कभी उसका मन किया सर्दी में, अरे आज धूप कम है, हे सूर्य भगवान आओ जल्दी आओ और धूप करो। रात के 12 बजे कई बार कहता था सूर्य भगवान को, हे ऊपर आ जाओ। सब कुछ उल्ट पुलट हो रहा था। और उसने एक नया नियम भी दिया था, पता क्या नियम दिया था, पुण्य करो नरक जाओ, गलत काम करो स्वर्ग जाओ, ये हिरण्यकश्यपु का शासन था। खैर, उसने अग्नि जल वायु सबको अपने कंट्रोल में कर रखा था। उसका जो आसन था 275 फुट का था आसन, 275 फीट, बाप रे, सोच के देखो वो कितना बड़ा होगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5, जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ और उन्होंने उनको गुरुकुल में भेजा सीखने के लिए, जब प्रहलाद महाराज वापिस आए और हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद महाराज बताओ आपने क्या सीखा,
अपने गुरु से सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 अंग दिए, द 9 प्रैक्टिसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति के 9 विधि भक्ति दी है। पहला है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, नोव आत्मनि वेदनम। जी हाँ, तो प्रहलाद महाराज किसके आचार्य हैं? स्मरणम के, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो, हे अर्जुन 24 घंटे मेरा स्मरण करो। तो प्रहलाद महाराज किसके आचार्य हैं? इन 9 विधि भक्ति में से किसके आचार्य हैं प्रहलाद महाराज, बोलिए? स्मरणम, रिमेम्बरेंस। ओके जी, तो प्रहलाद महाराज ने ये बताया कि गुरुजी मैं ये सीख के आया हूँ, और आगे है इन्हीं 9 अंगों को श्री रूप गोस्वामी ने 64 अंगों में बांटा है, जिसको कहते हैं भक्ति के 64 अंग। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 6, जब हिरण्यकशिपु ने वो खंबा तोड़ा, जब तोड़ा, जो गरजना हुई, जब वो गरजना हुई, ऐसा कहा जाता है जब नरसिंहदेव भगवान आए, विशालकाय रूप लेके जब नरसिंहदेव भगवान आए, भगवान का रंग था गोल्डन। आज आपको पता चल गया नरसिंह भगवान का कलर क्या है, कम ऑन से गोल्डन। तो जब नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए और उन्होंने जो गरजना की, ऐसा कहा जाता है कैलाश तक शिव जी की तपस्या भंग हुई थी, ब्रह्मा जी अपने कमल से हिल रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी, ऐसा क्या आ गया। और जब हिरण्यकशिपु ने पहली बार नरसिंहदेव को देखा, उसने कहा 84 लाख यूनियन मैंने सारी देखी है, उनमें से ये कौन सी आइटम है भाई, ये कहाँ से आ गए, ये क्या चीज़ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे समझाता हूँ, जैसे आप अपने घर में हो, कोई आप ऐसा कीड़ा या कोई ऐसी जीव जंतु देख रहे हो जो आपने कभी ना देखी हो, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो ऐसे ही हिरण्यकशिपु के साथ हुआ, और जब नरसिंहदेव आए अपने बड़े बड़े नाखूनों के साथ और अपने बड़े विशालकाय शरीर के साथ, सब चौंक गए कि ये कौन आ गया, ऐसा रूप तो ना कभी देखा है और ना कभी किसी ने सोचा भी था। भगवान आगे क्या बनके, नर और सिंह, आधा मनुष्य और आधा सिंह बन गए। बोलो नरसिंहदेव भगवान की जय हो। फैक्ट नंबर 7, तो नरसिंहदेव प्रकट हुए, उन्होंने थोड़ी देर युद्ध किया हिरण्यकशिपु के साथ, और फिर समय आ गया हिरण्यकशिपु को मारने का। नाउ इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ब्रह्मा जी ने इतने वरदान दिए थे तो भगवान को टेक्निकलिटी हर चीज का ध्यान रखना पड़ रहा था। ठीक है जी, तो भगवान ने सारी कंडीशंस को ध्यान रखते हुए हिरण्यकशिपु को मारा। ठीक है जी, कुछ कुछ बातें बताऊंगा, ना दिन में मारा, ना रात को, कब मारा, सांझ को, शाम को, ना ज्यादा रोशनी थी, ना ज्यादा अंधेरा था। ठीक है जी, ना घर के बाहर मारा, ना घर के अंदर मारा, कहाँ मारा, घर की चौखट पे मारा। ठीक है जी, उसने एक वरदान मांगा था, ना मैं धरती पे मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं नरक में मरूं। भगवान ने इसको कहाँ बिठा रखा था, अपनी जांघों पे, उसके पैर तो भगवान के जांघों पे थे, तो वो तो छू नहीं रहा था, ना वो आसमान में था, वो धरती पे था, कहाँ था, भगवान के जांघों पे। ठीक है जी, एक वरदान उसने क्या मांगा, हे ब्रह्मा जी, आपके बनाए हुए 12 महीनों में से मैं ना मरूं। सोच के देखो क्या मांग लिया, जनवरी से लेके दिसंबर तक मैं ना मरूं। बताओ क्या करोगे, कब मरोगे, कल लियो क्या करोगे। ठीक है जी, तो भगवान ने कहा आ जा भाई, इसका भी ला दे मेरे पास। भगवान ने क्या किया, 13वां महीना डाल दिया। एक मिनट, फिर से क्या बोला मैंने, भगवान ने एक महीना और ऐड कर दिया, 13वां महीना, जिसको कहते हैं अधिक मास। ठीक है जी, बताओ। और उसने क्या कहा था भगवान से, कि मैं ब्रह्मा जी आपकी बनाई हुई किसी सृष्टि से ना मरूं। भगवान तो खुद ही खंभे से प्रकट हुए हैं, भगवान तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं आते, तो ये वरदान भी पूरा हो गया। उसने कहा था मैं ना किसी शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से। भगवान ने इसको किससे मारा, तव कर कमल अवरे नाखाम अद्भुत दशिंगा, नाखूनों से मारा। ठीक है जी, नाखून ना तो शस्त्र है ना अस्त्र है, ठीक है, वो जिंदा भी है और मरा भी हुआ है। आ हा हा, हमारे ठाकुर जी ने बहुत ही चलाकी से और बहुत ही सूझबूझ के साथ सारी टेक्निकलिटीज को ध्यान रखते हुए हिरण्यकशिपु को मारा। इसलिए कहते हैं भाई ज़्यादा चलाक मत बनो, हर बाप का एक बाप होता है और भगवान तो सबके पिता है। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, तो ये कंडीशंस करते हुए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और पूरी पृथ्वी को हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस से मुक्त किया। ठीक है जी, फैक्ट नंबर 8, नाउ दीज 3, ये जो आखिरी के 3 है, ये बहुत ही पावर पैक 3 अमेजिंग फैक्ट्स हैं। ओके, रेडी, फैक्ट नंबर 8 ये है कि जब नरसिंहदेव मार चुके थे हिरण्यकशिपु को, वो अपने उग्र रूप में थे, क्योंकि उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने इतना तड़पाया था प्रहलाद महाराज को, तो वो बैठ गए थे अनंत शेष की शैया पे और वो गरज रहे थे, उनका उग्र रूप था उस समय। उग्र रूप मतलब एकदम गुस्से वाला, तो कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उनके पास जाने की। तो इंद्र गया, ठीक है जी, इंद्र ने सोचा हम जाते हैं भगवान के पास, पर उनका क्रोध देखे वो पीछे हट गया। इंद्र गया ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मा जी वरदान तो आपने दिए थे, आप जाओ भगवान को मनाओ, थोड़ा भगवान को मनाओ, हम कैसे जाएंगे, भगवान तो इतने गुस्से में हैं।
ब्रह्मा जी कहते, अरे भाई मैं तो गलती से दे दिया रहने कशिपुर को ऐसे वरदान, मैं जाऊंगा तो मैं तो पास जाती मेरी दाढ़ी जल जाएगी, इतनी इतनी भगवान के शरीर से तेज और गर्माहट निकल रही है, आग निकल रही थी। ब्रह्मा जी कहते मेरी बस की नहीं, मैं बुजुर्ग आदमी मुझे मत भेजो भाई। तो उन्होंने कहा था जाओ शिव जी को बोलो कि शिव जी जाएंगे। शिव जी के पास गए, शिव जी कहते हैं भैया मैं तो वैसे भी कैलाश में रहता हूँ, ठंड का मौसम वैसे होता है वहाँ पे, नरसिंह देव तो ज्वाला की तरफ फट रहे हैं, मैं तो पास भी नहीं जा पा रहा हूँ, देख भी नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने मना कर दिया जाने के लिए। सभी मिलके माता लक्ष्मी के पास गए, उन्होंने कहा कि हे माता ये तो आपके स्वामी हैं, ये तो आपके ही पति हैं, आप जाएंगे तो प्रभु को गुस्सा शांत होगा। नाउ लक्ष्मी जी कह रही हैं क्या, ध्यान से सुनना, कि ये मेरे पति अवश्य हैं पर ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। उनकी पत्नी बोल रही है भगवान की। इसलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसे ऐसे रूप ले लेते हैं जो कि उनकी पत्नी ने भी ना देखा। लक्ष्मी जी ने कहा मैं नहीं जा सकती भाई, चलो उसके पास चलते हैं जिसकी वजह से ये रूप लिया हो। किसकी वजह से लिया था? प्रहलाद महाराज। मगर इतने में ही पीछे से एक आवाज़ आती है, हे ब्रह्मा जी, हे लक्ष्मी जी, मैं जाऊँगा नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए। सभी मुड़ के देखते हैं, पीछे से कौन आवाज़ लगाते हैं? गणेश जी। बोले गणपति बाबा मोरिया। गणेश जी कहते हैं मैं जाऊँगा नरसिंह देव को मनाने के लिए। सब सोचते हे भगवान ये छोटे से गणेश जी, कहाँ नरसिंहदेव, हम नहीं जा पा रहे, ये जाएंगे। बट फिर भी गणेश जी कहते हैं मैं जाऊंगा नरसिंहदेव मनाने के लिए। गणेश जी अपनी छोटी कासी मुशिका पे, बिल्कुल छोटे से माउस पर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर सवार होकर एकदम चल पड़ते हैं किसकी ओर? नरसिंहदेव की ओर। और प्लीज समझो नरसिंहदेव का विशाल काय रूप है, इतना विशाल और इतने ऊंचे बैठे हैं वो अनंत शेष पे, और यहाँ पे गणेश छोटे से जा रहे हैं उनकी तरफ। और नरसिंहदेव के बारे में कहा जाता है जब वो उग्र रूप था उनका, जब वो सांस ले रहे थे आग, अग्नि निकल रही थी, इतने भयंकर अग्नि और क्रोध में थे भगवान। तो जैसे ही गणेश जी पहुंचे नरसिंहदेव के पास, भगवान ने जब एक सांस ली उसकी हवा के प्रभाव से गणेश जी उड़ते हुए पीछे गए, चूहा वहां जाके गिरा, गणेश जी पीछे जाके गिरे। ये देख के सभी हंसने लगे, नरसिंहदेव की आंखें भी उन पे पड़ी, पर फिर भी अभी भी नरसिंहदेव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब सब प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, हे भक्तराज प्रहलाद, ये आपके लिए भगवान ने अवतार लिया है, भगवान को आप ही शांत कर सकते हैं। देखिए पत्नी से नहीं मान रहे भगवान, ब्रह्मा जी से नहीं मान रहे भगवान, शिव जी से, नारद से, किसी भी देवी देवताओं से नहीं मान रहे भगवान, सब किसके पास गए हैं? भक्तराज प्रहलाद के पास। ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, भगवान उठा के उनको अपनी गोदी में बिठाते हैं। नंबर 9, यस ठीक है जी, फैक्ट नंबर 9 ये है कि जब प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव ने अपनी गोदी में बिठाया था तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि सिंह के रूप में भी थे आधे, चाटने लगे। एक शेर अपने बच्चे को प्यार कैसे दिखाता है, उसको चाटता है, उसको सूंघता है, उसको है ना बार बार उसको आसपास आके अपने शरीर को रगड़ता है, ऐसे ही नरसिंहदेव कर रहे थे। सब ये देख के कह रहे हैं बलिहारी बलिहारी जाएं, हे ठाकुर जी, एक तरफ आप अपना उग्र रूप दिखा रहे हो और दूसरी तरफ एक पिता का बिल्कुल हृदय कोमल वाला रूप दिखा रहे हैं। आहा, क्या इसमें क्या झांकी है भगवान की, कि इतने भयंकर कह नाखून होते हुए भी, इतने भयंकर चेहरा होते हुए भी भगवान अब प्रेम प्रकट कर रहे हैं और कहा हे प्रहलाद मैंने आने में देरी तो नहीं कर दी। और भगवान चाट रहे थे और छोटे से प्रहलाद महाराज बड़े नरसिंहदेव भगवान को कोशिश कर रहे हैं पकड़ने की, है ना, जैसे छोटा बच्चा पकड़ता है अपनी माँ को या अपने पिता को। तो जो भगवान जिसको चाट रहे होते हैं और वो प्रेम दे रहे होते हैं, नरसिंहदेव कहते हैं, ध्यान से सुनना, नरसिंहदेव कह रहे हैं ये जो प्यार मैं तुम्हें दे रहा हूँ पिता के रूप में, मैं भी ये महसूस करना चाहता हूँ कि पिता का प्रेम या माता पिता का प्रेम कैसे होता है। तो आप देखेंगे 10 अवतार में जो भगवान के हैं, इनमें आने वाले अवतार में नरसिंहदेव के भगवान के बाद जो अवतार आए हैं उनमें भगवान ने माता पिता अपनाए हैं। इससे पहले मत्स्य कुर्मा वराहा 3 अवतार में भगवान के कोई माता पिता नहीं थे। क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह लीला में उनका मन किया कि मैं महसूस करूं माता पिता का प्यार कैसा होता है। अरे वो तो भगवान है, उनको क्या जरूरत है, ये लीला स्वरूप किया। ठीक है जी, फैक्ट नंबर 10, ओके, आज भी वो खंबा है जिससे नरसिंहदेव भगवान आए थे। सुना आपने, आज भी वो खंबा है जिससे नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए थे, वो कहां है बताऊं, ये बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कह रहे हो, अभी बताऊं? अरे पक्का अभी बता दूं? चलो बता ही देता हूं, आप सब इतने प्यार से बोल रहे हो, थोड़ा नरसिंह चतुर्दशी तो आज बता ही देता हूं। वो स्थान है अहोबिलम में, ठीक है जी, जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश के राज्य में। ठीक है जी, तो ये थे 10 फैक्ट्स। एक मिनट, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है। ठीक है जी, अब हम भगवान नरसिंहदेव का एक मंत्र पढ़ेंगे जो आज आप सबको गाना चाहिए। कृपया हाथ जोड़िए और हम अब उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते श्री नरसिंहाय, नमस्ते तेजस तेजसे,
आविराविर्भव वज्र नख वज्र दंसकर्माशयन रंद्यतमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूय तिष्ठा ओम क्षोम श्री नृसिंह नमामि। जय नृसिंह श्री नृसिंह जय जय श्री नृसिंह प्रलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग उग्रम वीरम महाविष्णु जलम तम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ये नरसिंहदेव के प्रणाम मंत्र हैं। आज के दिन इनको सुनने मात्र से मंगल होता है और आज के दिन आपने अन्न नहीं खाना है, शाम तक व्रत रखना है। इस व्रत की बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा जो आज के दिन व्रत रखता है उसको क्या फल प्राप्त होता है, ठीक है जी। और जाने से पहले एक बात और एक लास्ट बात, यदि आप इस दास के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, एक नंबर फ्लैश होगा आप स्क्रीन पे, आप उस पे अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए एंड यू कैन स्टे इन टच विद मी, ताकि मैं आपके साथ और ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल छोटी छोटी वीडियोस, फैक्ट्स और अनसुनी कथाएं शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और एक बार जोर से नरसिंहदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दास अतुल कृष्णदास सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी नरसिंह चतुर्दशी।